एक दिन एक जैन मठ में सभी शिष्य अपने गुरु के चारों ओर इकट्ठा हुए। गुरु बोले, मैं जो कहानी सुना रहा हूँ उसे पूरे ध्यान से सुनो। फिर उन्होंने कहना शुरू किया। एक बार बुद्ध अपनी आंख बंद किए हुए बैठे थे। उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई दी, बचाओ बचाओ। उन्हें समझ आ गया कि ये आवाज़ किसी मनुष्य की थी जो नर्क के किसी गड्ढे में था और पीड़ा भोग रहा था। बुद्ध को यह भी समझ में आया कि उसे यह दंड इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि जब वो जिंदा था तब उसने बहुत सी हत्याएं और चोरियां की थीं। उन्हें सहानुभूति का एहसास हुआ और वो उसकी मदद करना चाहते थे। उन्होंने यह देखने का प्रयास किया कि क्या उस व्यक्ति ने अपनी जीवित अवस्था में कोई अच्छा काम किया था। उन्हें पता लगा कि उसने एक बार सड़क पर चलते हुए इस बात का ध्यान रखा था कि एक मकड़ी पर उसका पैर न पड़ जाए। तो बुद्ध ने उस मकड़ी से उस व्यक्ति की मदद करने के लिए कहा। मकड़ी ने एक लंबा मजबूत धागा नर्क के उस गड्ढे में भेजा जिससे वो अपना जाला बुनती है। वह व्यक्ति उस धागे को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। तब बाकी के लोग भी जो वहाँ यातना भोग रहे थे उसी धागे को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगे। तो उस व्यक्ति को चिंता हुई, ये धागा मेरे लिए भेजा गया है, अगर इतने लोग इसे पकड़कर चढ़ेंगे तो धागा टूट जाएगा। वो उन पर गुस्से से चिल्लाया। उसी पल वो धागा टूट गया और वो उस गड्ढे में फिर से जा गिरा। उस व्यक्ति ने फिर चीखना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ। लेकिन इस बार बुद्ध ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जैन गुरु ने कहानी पूरी की और अपने शिष्यों से पूछा, बताओ इस कहानी में क्या दोष है। एक शिष्य बोला, मकड़ी का धागा इतना मजबूत नहीं होता कि एक व्यक्ति को ऊपर ला सके। दूसरे ने कहा, स्वर्ग और नर्क जैसी कोई चीज नहीं होती। एक अन्य बोला, जब बुद्ध आंख बंद करके बैठे और ध्यान कर रहे थे तब उन्हें जरूर ही कोई और आवाज़ सुनाई दे रही होगी। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम सब ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। फिर वो उठे और वहाँ से चले गए। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं यहाँ जैन गुरु किस महत्वपूर्ण मुद्दे की बात कर रहे हैं? जैन गुरु ने अपने शिष्यों को जो कहानी सुनाई वह नैतिक मूल्यों पर आधारित बात थी जो किसी ने गढ़ी होगी। कहानी की नैतिक शिक्षा ये है कि एक स्वार्थी व्यक्ति को जिसे दूसरों की परवाह नहीं है बुद्ध भी नहीं बचाएंगे। यह कहानी किसी ने समाज को शिक्षा देने के लिए लोगों पर प्रभाव डालने के लिए गढ़ी होगी। जहाँ भी जरूरत एवं संभावना हो एक सच्चा आत्मज्ञानी कभी भी अपनी करुणा बरसाने में हिचकिचाएगा नहीं। बुद्ध वही हो सकता है जिसने अपने अंदर पूरी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली हो और जो स्वीकार या अस्वीकार करने की मजबूरी से परे चला गया हो। केवल वही करुणामय हो सकता है जो पूरी तरह से आनंदमय हो। बुद्ध उसी को कहते हैं जो बुद्धि से परे पूर्ण आनंद की अवस्था में हो। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।